Hey everyone, welcome back to Kadivision. I am Madhu, I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn chapter 9, book Golden Leaves, book number 5. So let's start. ये देखिए, ये है chapter 9, The Caliph and the Gardener. तो ये जो आपको हम पढ़ने जा रहे हैं इस स्टोरी को, तो चलिए शुरू करते हैं. ये देखिए, ये है स्टोरी. लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट अ मर्चेंट, ए काइंड खलीफ एंड एन ऑनेस्ट गार्डनर. तो स्टोरी किसके बारे में है? एक मर्चेंट के बारे में. मर्चेंट मतलब आपको पता ही होगा, एक बिजनेसमैन, व्यापारी जिसको बोलते हैं. ए काइंड खलीफ, एक जो है खलीफ है जो बहुत ही काइंड है. खलीफ मतलब होता है रूलर, राजा जो होते हैं. एंड एन ऑनेस्ट गार्डनर, और एक गार्डनर जो बहुत ही ऑनेस्ट है. तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. देर वॉज वंस ए खलीफ ऑफ कॉर्डोवा हुज नेम वॉज अल मंसूर. कॉर्डोवा जो है एक प्लेस का नाम है. तो वहाँ पे एक खलीफ था, एक मुस्लिम रूलर था एक बार. तो उस रूलर का नाम क्या था? अल मंसूर. वन डे ए स्ट्रैंड मर्चेंट केम टू हिम विद सम डायमंड्स एंड पर्ल्स विच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बियॉन्ड द सी. अब एक बार, एक दिन अचानक उसके सामने दरबार में कौन आया? एक जो है मर्चेंट आया, एक स्ट्रेंज मर्चेंट आया, मीन्स अननोन, जो पहले से उसको पता नहीं था, राजा को उसके बारे में नहीं जानता था. एक मर्चेंट आया, व्यापारी उनके दरबार में, और जो है वो लेके आया था, क्या बेचने आया था? डायमंड्स और पर्ल्स, कुछ डायमंड और पर्ल्स लेके बेचने आया था, और जो वो समुद्र के उस पार से लेके आया था. द खलीफ वॉज सो वेल प्लीज्ड विद दीज ज्वेल्स that he brought them and paid the merchant a large sum of money. अब खलीफ जो था वो सारे ज्वेल्स को देख के इतना खुश हुआ कि उसने जो है सारे जो है जितने भी वो ज्वेल्स थे, डायमंड एंड पर्ल्स जो लेके आया था, उसने जो है तुरंत उनको ख़रीद लिया और जो है उसके लिए उस मर्चेंट को पैसे दे दिए, उसे इतने पसंद आए. द मर्चेंट पुट द गोल्ड इन ए बैग ऑफ रेड सिल्क विच ही टाइड टू हिज बेल्ट अंडरनीथ हिज लॉन्ग क्लोक. मर्चेंट ने क्या किया, वो जो गोल्ड वाला बैग था, पुराने समय में आपको पता होगा सोने चांदी के सिक्के चलते थे, ये अभी कागज़ के रुपए नहीं होते थे, तो जो सोने के जो सिक्के जो राजा ने उन्हें दिए थे उसको उन्होंने एक लाल रंग के सिल्क के बैग में रख लिया, और उसको जो है कहाँ रख दिया? विच ही टाइड टू हिज बेल्ट अंडरनीथ हिज क्लोक. जो क्लोक मतलब होता है जो ऊपर से एक कोट जैसा पहले पुराने लोग पहनते थे ना, जैसे ओवर कोट पहनते हैं, उसको क्लोक कहते थे. तो उस क्लोक के नीचे जो है अपनी बेल्ट में उन्होंने उसे बांध लिया. देन ही सेट आउट ऑन फूट टू वॉक टू अनदर सिटी. अब जब यहाँ से उनका बिजनेस हो गया तब वो दूसरे शहर जाने लगे कुछ और चीज़ें बेचने के लिए और पैसे इकट्ठा करने के लिए. इट वॉज मिड समर, और ये एकदम गर्मी थी, मध्य गर्मी का सीज़न चल रहा था. एंड द डे वॉज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. एज द मर्चेंट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, मर्चेंट जो है व्यापारी चला जा रहा था. ही केम टू ए रिवर दैट फ्लोड जेंटली बिटवीन ग्रीन एंड शेडी बैंक्स. अब वो जा रहा था तो रास्ते में जो है उसको चलते चलते एक जो है रिवर मिली. देखिए, ग्रीन एंड शेडी बैंक, बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, है रिवर बैंक जो है उसको मिला, जो बहुत ही वहाँ पे नदी बह रही थी और उसका जो है क्या था, देखो, फ्लोड बिटवीन ग्रीन एंड शेडी बैंक्स. उसके बैंक्स थे नदी के किनारे कैसे थे? ग्रीन थे और शेडी थे, मीन्स पेड़ और चारों तरफ से लगे हुए थे और बीच में जो है नदी बह रही थी. तो बड़ा अच्छा लगा उसे देख के, क्योंकि एक तो गर्मी थी, ऊपर से जो है वो सीन भी ऐसा था, बीच में पानी हो, चारों तरफ से घने घने पेड़ हो, तो कितना अच्छा लगता है देखने में, वैसे उसे ही लगा. ही वॉज हॉट एंड कवर्ड विद डस्ट, वो जो है उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो पूरा धूल से जो है ढका हुआ था, कवर था, मतलब गर्मियों में धूल मिट्टी बहुत होती है, पसीना होता है तो चिपक जाती है आँखें, और रास्ते में चल ही रहा था तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो मिट्टी से ढक गया था. नो वन वॉज नियर, और वहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था. वेरी फ्यू पीपल एवर केम दैट वे, बहुत ही कम लोग उस रास्ते से आते जाते थे, मीन्स बहुत सुनसान सा इलाका था, रास्ता था. वाई शुड ही नॉट कूल हिमसेल्फ इन द रिफ्रेशिंग वाटर. अब उसने सोचा, देखो कि जो है वो अभी सुनसान है, अगर यहाँ पे नहाएगा कोई उसको देखेगा भी नहीं, अपने पैसे भी यहाँ रख सकता है किनारे, कोई छूने वाला नहीं है.
और क्यों ना वो जो एक तो गर्मी से ढका इस नदी में थोड़ा सा नहा के अपने आप को ठंडा कर ले, उसने सोचा। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, अब उसने अपने कपड़े उतार दिए एंड लेड देम ऑन द बैंक, और सारे कपड़ों को नदी के किनारे रख दिया। ही पुट द बैग ऑफ मनी ऑन टॉप ऑफ देम, और जो पैसों का जो बैग था उसको अपने सारे कपड़ों के ऊपर रख दिया ताकि वो उसको अच्छे से दिखते रहे। देन लिप्ड इनटू द वाटर, और उसके बाद पानी में कूद गया। हाउ कूल एंड डिलीशियस इट वॉज, उसने कहा अरे वाह ये पानी तो कितना ठंडा है और कितना स्वादिष्ट भी है, पीने में भी बहुत अच्छा है। सडनली ही हर्ड ए रसलिंग नॉइज बिहाइंड हिम, बट जैसे वो नहा रहा था अचानक उसने अपने पीछे देखा तो जैसे रसलिंग नॉइज कहते हैं ना जब कोई पत्तियां आपस में रगड़ती हैं पेड़ों की तो उनको कहते हैं उस साउंड को रसलिंग, तो इसी तरह से कोई एक आवाज़ सुने कि पेड़ों की पत्तियां थी या कोई इस तरह की चीज़ थी जो आपस में रगड़ रही थी आवाज़ कर रही थी। तो उसने देखा उस आवाज़ की तरफ। ही टर्न्ड क्विकली एंड सॉ एन ईगल, अब वो जो है वो पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा, एक ईगल राइजिंग इनटू द एयर, हवा में ऊपर जा रहा था, मतलब वो पहले नीचे आया था और फिर अब नीचे से ऊपर जा रहा था। विद हिज मनी बैग इन इट्स क्लॉज, अब उसने अपने चंगुल में अपने पंजों में जो है उसका जो पैसे वाला बैग था वो पकड़ रखा था, मीन्स वो ईगल ने, वो ईगल आया जो उसका बैग पैसे वाला बैग था उसने अपने चंगुल में पकड़ा हुआ था और उसको लेके वो ऊपर की तरफ उड़ रहा था। नो डाउट द बर्ड हैड मिस्टेकन द रेड सिल्क फॉर समथिंग फूड टू ईट, अब इसमें वो जो पक्षी था ईगल उसको पैसे का तो कोई काम था नहीं, तो वो जो है उस रेड सिल्क को लाल लाल उसको दिख रहा था तो वो जो है अपने खाने की चीज़ वो समझा और उसको लेके वो उड़ गया। द मर्चेंट शाउटेड, व्यापारी चिल्लाया, ही जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर निकल आया एंड शाउटेड अगेन, और बाहर निकल के फिर से चिल्लाया, बट इट वॉज़ नो यूज़, मतलब उसका कोई अब फ़ायदा नहीं था। द ग्रेट बर्ड वॉज हाई इन द एयर, अब वो जो पक्षी था वो ऊपर हवा में उड़ चुका था, मीन्स बहुत ऊँचे उड़ चुका था, एंड फ्लाइंग टूअर्ड द फार ऑफ माउंटेन, और वो दूर पहाड़ों की तरफ उड़ रहा था विद ऑल हिज मनी, उसके सारे पैसे को लेके, वो सारे पैसे को लेके वो जो बर्ड थी वो ऊपर उड़ गई थी, किस तरफ जा रही थी, दूर पहाड़ों की तरफ। द पुअर मैन कुड डू नथिंग, अब वो बेचारा आदमी कुछ नहीं कर सका, अपने पैसों को नहीं बचा सका, बट ड्रेस हिमसेल्फ, अब क्या करे, उसने फिर अपने कपड़े पहने एंड गो सोरोइंग ऑन हिज वे, और वो बहुत दुखी होके आगे जाने लगा। ए ईयर पास्ड बाई एंड देन, और इसी तरह से साल निकल गया। द मर्चेंट अपीयर्ड वंस बिफोर मोर बिफोर अल मंसूर, अब एक बार फिर साल बीतने के बाद वो जो मर्चेंट था अल मंसूर के सामने फिर से प्रेजेंट हुआ, मीन्स आया और उनसे बोला। ओ खलीफ, ही सेड, उसने कहा, हियर आर फ्यू ज्वेल्स विच आई हैड रिजर्व्ड एज अ प्रेजेंट फॉर माई वाइफ, ये मेरे पास कुछ ज्वेल्स हैं जो मैंने अपनी वाइफ के लिए प्रेजेंट के तौर पे रिजर्व करके रखा हुआ था, बट आई हैव मेट विद सच बैड लक एंड आई एम फोर्स टू सेल देम, पर मैं एक बहुत ही बैड लक जो है मेरे साथ हुआ, कुछ बहुत बुरा हुआ, दुर्घटना हुई है और इसलिए जो है मुझे इन सबको बेचना पड़ रहा है, तो मैं आपके पास आया हूँ। आई प्रे दैट यू विल लुक एट देम एंड टेक देम एट योर ओन प्राइस, तो मैं आपसे प्रे करता हूँ कृपया आप इन जो है ज्वेल्स को देख लीजिए और आपको जो भी दाम सही लगे उस पर ख़रीद लीजिए, मैं अपनी तरफ से कोई प्राइस नहीं कहूँगा, आप अपने हिसाब से इसको देख के जो प्राइस आपको ठीक लगे ख़रीद लीजिए। अल मंसूर नोटिस दैट द मर्चेंट वॉज वेरी सैड एंड डाउनकास्ट, अल मंसूर ने नोटिस किया उस खलीफ ने, अल मंसूर कौन था, वो खलीफ रूलर जो था, तो उसने नोटिस किया वो मर्चेंट बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रहा था, दुखी दिख रहा था। वाई वॉट हैज़ हैपेंड टू यू, क्यों क्या हुआ है, ही आज उसने पूछा, हैव यू बीन सिक, क्या तुम बीमार हो गए थे। देन द मर्चेंट टोल्ड हिम हाउ द ईगल हैड फ्लोन अवे विद हिज मनी, तब उस व्यापारी ने बताया कि कैसे वो ईगल उसके पैसों को लेके उड़ के चला गया था। Why didn't you come to us before? He asked. तब अल मंसूर ने कहा, तो आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए जब आपके साथ ये हुआ था। We might have done something to help you. शाम कुछ करते आपकी सहायता करने के लिए। Towards what place was the eagle flying when you last saw it? तो आप बताइए हमें, जब आपने आखिरी बार ईगल को देखा था तो वो किस तरफ जो है किस डायरेक्शन में उड़ रहा था। It was flying
टुअर्ड द ब्लैक माउंटेन्स, आंसर द मर्चेंट। मर्चेंट ने आंसर किया, बताया कि ये जो ब्लैक माउंटेन्स है उनकी तरफ जो है उड़ के जा रहा था वो ईगल। द नेक्स्ट मॉर्निंग द खलीफ कॉल्ड 10 ऑफ हिज ऑफिसर्स बिफोर हिम। अगली सुबह खलीफ ने अपने 10 ऑफिसर्स को बुलाया। राइड एट वंस टू द ब्लैक माउंटेन्स ही सेड, उसने कहा अभी तुरंत ब्लैक माउंटेन की तरफ आप लोग निकलिए। राइड मतलब क्या, घोड़े पे सवार होइए और निकलिए। फाइंड ऑल द ओल्ड मैन दैट लिव ऑन द माउंटेन्स और इन द फ्लैट कंट्री अराउंड, और वो सारे जो बूढ़े इंसान हों वहाँ पे जो माउंटेन्स में रहते हों या नीचे जो फ्लैट कंट्री है मीन्स जो प्लेन लैंड है वहाँ पे जो बूढ़े लोग रहते हों उन सबको ले आओ। एंड कमांड देम टू अपीयर बिफोर मी 1 week फ्रॉम टूडे, उनसे कहो कि जो है आज के एक हफ्ते बाद वो सारे मुझे मिलें इकट्ठे। द ऑफिसर्स डिड एज दे वर बिडन, ऑफिसर ने वैसा ही किया जैसे उन्हें कहा गया। बिडन मतलब होता है जो उन्हें कहा गया है करने के लिए, कहा गया किसी बड़े ने तो उन्होंने वैसा ही किया। ऑन द डे अपॉइंटेड, और जो डे जो अल मंसूर ने दिया था एक हफ्ते बाद का वो दिन आ गया। 40 ग्रे बियर्ड ऑनेस्ट ओल्ड मैन स्टूड बिफोर द खलीफ, और 40 बूढ़े आदमी और उनकी बियर्ड मतलब उनकी दाढ़ियाँ कैसी थी, ग्रे वाइट थी, वाइट कलर की उनकी दाढ़ियाँ थी, ऑनेस्ट थे वो लोग, वो सारे बूढ़े आदमी अल मंसूर के सामने खड़े थे। ऑल वर आज द सेम सिचुएशन, और सारे जो है सेम क्वेश्चन, सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया उन 40 लोगों से, डू यू नो ऑफ एनी पर्सन हु वाज वंस पुअर बट Who has lately and suddenly become well to do? क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो पहले बहुत गरीब था पर अचानक से उसके पास पैसा आ गया और वो ठीक ठाक रहने लगा है, सब कुछ ठीक से खाने पीने पहनने लगा है। Most of the old men answered that they did not know of any such person. और उनमें से सारे ज़्यादातर बूढ़े लोगों ने क्या कहा कि वो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते हैं। ए फ्यू सेड दैट देयर वाज वन मैन इन देयर नेबरहुड, और उनमें से कुछ ने कहा कि उनके जो नेबरहुड में उनके पड़ोस में एक है एक आदमी, हु सीम टू हैव हैड सम शॉर्ट ऑफ गुड लक, शायद जिसके साथ जो है उसके भाग्य ने उसका साथ दिया है, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मतलब उसकी किस्मत बदल गई है, अभी रहन सहन बदल गया है। दिस मैन वॉज ए गार्डनर, ये कौन था, ये गार्डनर था। ए ईयर एगो, एक साल पहले, ही वॉज सो पोर दैट ही हैड स्कैर्सली क्लोज फॉर हिज बैग, अभी कह रहे हैं कि एक साल पहले तू इतना गरीब था उसके जो है कपड़े भी उसके पास नहीं होते थे पहनने के लिए। हिज चिल्ड्रेन वॉज क्राइंग फॉर फूड, उसके बच्चे खाने के लिए चिल्लाते थे। बट लेटली एवरीथिंग हैड चेंज फॉर हिम, बट अचानक से बाद में उसके लिए सब कुछ बदल गया मीन्स उसकी सिचुएशन बदल गई। बोथ ही एंड हिज फैमिली ड्रेस्ड वेल, वो और उसकी फैमिली जो उसका परिवार अच्छे से पहनने लगे हैं। दे हैड प्लेंटी टू ईट, उनके पास खाने पीने को बहुत हो गया है। ही हैड इवन बॉट ए हॉर्स टू हेल्प हिम कैरी हिज प्रोड्यूस टू मार्केट, और उसने जो है एक घोड़ा भी खरीद लिया है कि वो अपने जो बेचने का उसका सामान है व्यापार का वो बाजार में उस पर लाद के ले जा सके। द खलीफ एट वंस गेव ऑर्डर्स फॉर द गार्डनर टू बी ब्रॉट बिफोर हिम द नेक्स्ट डे, अब खलीफ ने फिर ऑर्डर दिया कि अपने आदमियों को कि जो है अगले ही दिन उस गार्डनर को मेरे सामने ले आओ। ही ऑल्सो ऑर्डर दैट द मर्चेंट शुड कम एट द सेम टाइम, और उसने मर्चेंट को भी ऑर्डर दिया कि वो उसी समय जिस समय उसने उस गार्डनर को बुलाया था उसी समय वो मर्चेंट भी उनके सामने आए। बिफोर नून द नेक्स्ट डे, अगले दिन दोपहर के पहले द गार्डनर वॉज एडमिटेड टू द प्लेस, गार्डनर वहाँ पर आ गया, सॉरी पैलेस है, पैलेस में आ गया। एज सून एज ही एंटर्ड द हॉल, और जैसे ही वो पैलेस के हॉल में पहुंचा, द खलीफ वेंट टू मीट हिम, खलीफ जो है उससे मिलने के लिए आ गया। गुड फ्रेंड ही सेड, उसने कहा अच्छे दोस्त, इफ़ यू शुड फाइंड समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट व्हाट वुड यू डू विद इट, मेरे दोस्त अगर तुम्हें कुछ मिल जाए, किसी का खोया सामान तुम्हें मिल जाता है तो क्या करना चाहिए हमें अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो।
The gardener put his hand under his cloak and drew out the very bag that merchant had lost. अब gardener ने क्या किया, अपना जो cloak मतलब बताया था जो overcoat होता है, अपने overcoat के नीचे अपना हाथ डाला और वहाँ से अपना वो bag जो पैसे वाला bag था वहाँ से बाहर निकाल लिया, जो bag merchant का खो गया था वही bag था ये. Here it is my lord, he said. उसने कहा महाराज ये है, ये जो खो गया था जिसका सामान वो यहाँ पे है. At sight of his lost treasure, the merchant began to dance and shout for joy. और जैसे ही वो merchant ने देखा उसका जो खोया हुआ treasure, उसका धन उसको सामने था, वो एकदम खुशी से जो है नाचने लगा, चिल्लाने लगा. Tell us, said Al Mansur to the gardener. Al Mansur ने gardener से कहा कि बताइए, tell us how you came to find that bag. बताओ ये bag तुम्हें कैसे मिला है. द गार्डनर आंसर्ड, गार्डनर ने आंसर किया, ए ईयर एगो, एक साल पहले, एज आई वॉज स्पेडिंग इन माई गार्डन, मैं अपने गार्डन में खुदाई कर रहा था, आई सॉ समथिंग फॉल एट द फूट ऑफ ए पाम ट्री, मैंने देखा पाम ट्री जो है एक जो गार्डन में मेरे था उसके जो है जड़ में कुछ गिरा. आई रैन टू पिक इट अप, मैं दौड़ा, जब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ गिरा है तो मैं दौड़ के वहाँ पे गया देखने के लिए क्या गिरा है. एंड वॉज सरप्राइज्ड, और बहुत सरप्राइज हो गया, टू फाइंड दैट इट वॉज ए बैग फुल ऑफ ब्राइट गोल्ड पीसेज, ये एक बैग था, वो देख के मैं सरप्राइज हुआ कि ये बैग था जो है सुनहरे गोल्ड पीसेज से भरा हुआ बैग था. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, दिस मनी मस्ट बिलोंग टू आ मास्टर अल मंसूर, और मैंने खुद से कहा ये पैसा ज़रूर हमारे जो है महाराज अल मंसूर का होगा. अल मंसूर, सम लार्ज बर्ड हैज़ स्टोलन इट फ्रॉम हिज पैलेस, और जो है किसी बड़ी पक्षी ने इसको जो है हमारे महाराज के पैलेस से यहाँ पे लाके गिरा दिया है इसको. वेल देन सेड द खलीफ, खलीफ ने कहा अच्छा, वाई डिड यू नॉट रिटर्न इट टू अस एट वंस, तो ये तुमने जो है उसी समय हमें रिटर्न क्यों नहीं किया जब तुमको मिला था और तुम्हें पता ये हमारा है, हमारे मास्टर का है, तो इसको वापस क्यों नहीं किया. इट वॉज दिस वे सेड द गार्डनर, गार्डनर ने कहा कि जो है आई लुक्ड एट द गोल्ड पीसेस, मैंने गोल्ड पीसेस को देखा, एंड देन थॉट ऑफ माई ओन ग्रेट नेसेसिटीज़, और मैंने अपनी जो है ज़रूरतों के बारे में सोचा, मुझे मेरी ज़रूरतें याद आ गई, माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर सफरिंग फ्रॉम want of food and clothing, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो है भूख और जो है कपड़ों के लिए खाने के लिए जो है परेशान हो रहे, सफ़र हो रहे, मुझे वो चीज़ें याद आ गई. I had no shoes for my feet, मेरे पैरों में जूते तक नहीं थे, no coat for my back, और मुझे पहनने के लिए एक कोट भी नहीं था. So I said to myself, तो मैंने अपने आप से कहा, my lord Al Mansur is famous for his kindness to the और मेरे महाराज जो है अल मंसूर हैं गरीबों पे अपनी दया के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं. ही विल नॉट केयर, वो ध्यान नहीं देंगे. सो आई टुक 10 गोल्ड पीसेस फ्रॉम द मेनी दैट वर इन द बैग, तो बैग में जो बहुत सारे गोल्ड पीसेस थे उसमें से मैंने 10 गोल्ड पीसेस ले लिए, और आई मीन्ट ओनली टू बोरो देम, और जो है मेरा मतलब था कि मैं उन्हें उधार लिया, मेरा मैंने उधार समझ के उसमें से वो पैसे लिए. एंड आई पुट द बैग इन ए सेफ प्लेस, और मैंने फिर उस 10 पीसेस निकालने के बाद मैंने उस बैग को बिल्कुल सुरक्षित जगह पे रख दिया, सेइंग दैट एज सून एज आई कुड रिप्लेस द 10 पीसेस, और मैंने अपने आप से कहा जैसे ही ये 10 पीस जो मैं इसमें से ले रहा हूँ गोल्ड पीस, जैसे ही मैं गोल्ड पीसेस को इसमें रख पाऊँगा, इकट्ठा कर पाऊँगा, आई वुड रिटर्न All to my lord Al Mansur, मतलब मैंने जो इसमें से उधार निकाला है जब मैं उसकी भरपाई कर दूंगा इसमें और फिर 10 रख दूंगा तो मैं जो है अपने लॉर्ड अल मंसूर को रिटर्न कर दूंगा. विद सच हार्ड लेबर एंड केयरफुल मैनेजमेंट, मैंने बहुत कठिन परिश्रम से और जो है बहुत ही मैनेजमेंट से बहुत से आई हैव सेव्ड ओनली 5 लिटिल सिल्वर पीसेज, और बहुत ध्यान से खर्च करने के बाद भी मैं खाली 5 जो है सिल्वर पीसेस अभी तक इकट्ठा कर पाया हूँ. बट एज आई केम टू योर पैलेस दिस मॉर्निंग, पर जैसे ही मैं आज आपके पैलेस में आया, आई केप्ट सेइंग टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा,
When our Lord Al-Mansur learns just how it was that I borrowed the gold, उन्हें पता चलेगा कि मैंने ये जो है गोल्ड क्यों बोरो किया, किन कंडीशंस में बोरो किया. I have no doubt that in his kindness of heart, तो मुझे उनकी दया में जो है कोई डाउट ही नहीं था कि वो मेरी कंडीशन जानेंगे और जो है उनकी दया मुझ पर नहीं होगी, उनके हृदय में मेरे लिए दया नहीं होगी, मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं था. He will forgive me the डेप्ट, वो जो है मेरा डेप्ट, मेरा कर्ज वो जो है भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे. मीन्स उसने कहा कि मैं बहुत ही कठिन परिश्रम से जो है किसी तरह से खाली 5 सिल्वर पीसेस इकट्ठा कर पाया हूँ, और जब आज आ रहा था तो मैं लेके आया आपका पैसा, और मुझे पता था मैंने आप जब यहाँ आया कि मेरे महाराज जो अल मंसूर हैं उन्हें मेरी कंडीशन पता चलेगी तो वो जो है मुझे ज़रूर उस वो जो है मेरे कर्ज को माफ़ कर देंगे, वो जानेंगे मेरे लिए उनके हृदय में दया जरूर होगी. ग्रेट वॉज द खलीफ सरप्राइज, खलीफ जो है बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ. वेन ही हर्ड द पुअर मैन स्टोरी, जब उसने उस गरीब आदमी की पूरी कहानी सुनी. ही टुक द बैग ऑफ मनी एंड हैंडेड इट टू द मर्चेंट, उसने जो है उस बैग को लिया और उस मर्चेंट को दे दिया उससे लेके. टेक द बैग एंड काउंट द मनी दैट इज इन इट, ही सेड. अब उन्होंने उस व्यापारी से कहा ये बैग लो और अपने पैसे काउंट कर लो कि जितना कह रहे हैं उतना है कि नहीं है. इफ़ एनीथिंग इज़ लैकिंग, अगर यहाँ कुछ कम है, आई विल पे इट टू यू, मैं उसको तुम्हें दे दूँगा, जो भी इसमें कम है वो मैं तुम्हें दे दूँगा, उन्होंने कहा. यहाँ पे आगे है, द मर्चेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, मर्चेंट ने वैसा किया जैसे उसे कहा गया. देयर इज़ नथिंग लैकिंग ही सेड, उसने कहा इसमें कुछ भी कम नहीं है. बट द 10 पीसेज ही हैज़ टोल्ड यू अबाउट एंड आई विल गिव हिम दीज एज अ रिवार्ड, बट खाली वो 10 पीसेज इसमें कम है जो इस गार्डनर ने आपको बताया है, वही 10 पीसेज इसमें कम है और वो 10 पीसेज मैं इसको जो है इनाम के तौर पर देता हूँ. मैं उसे कम नहीं मान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैंने इसको इनाम दिया है. नो सेड अल मंसूर, अल मंसूर ने कहा नहीं. इट इज़ फॉर मी टू रिवार्ड द मैन एज ही डिजर्व्स, और मैं जो है ये मेरा काम है कि इस आदमी को जिस तरह से डिज़र्व करता है, इतना ईमानदार इंसान, तो जो ये डिज़र्व करता है उसके हिसाब से मैं इसको इनाम दूंगा. सेइंग दिस, इतना कहते हुए ही ऑर्डर दैट 10 गोल्ड पीसेज बी गिवेन टू द मर्चेंट इन प्लेस ऑफ दोज दैट वो लैकिंग, और उन्होंने अपने जो है लोगों को ऑर्डर दिया कि मर्चेंट के जो 10 पीस कम हैं वो उसको दे दिए जाएं. देन ही रिवार्डेड द गार्डनर विथ 10 मोर पीसेस, अब उन्होंने गार्डनर को फिर से 10 पीस दे दिए फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए. 10 पीस उन्होंने मर्चेंट को दिए उसके पैसे को पूरा करने के लिए, और 10 गोल्ड पीस जो है गार्डनर को दे दिए उसकी ईमानदारी के लिए. योर डेप्ट इज पेड, उन्होंने कहा आपका जो कर्ज है वो पे कर दिया गया है. थिंक नो मोर अबाउट इट ही सेड, उन्होंने कहा अब इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए, आपका कर्ज मैंने दे दिया है. और इस तरह से कहानी ख़त्म होती है. तो होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत प्यारी कहानी. चलिए इसके जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. तो ये देखिए, ये है टिक द आंसर है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है. तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाले का, द मर्चेंट केम विद डायमंड एंड पॉल, सेकंड वाला है. और ये बी वाले में द खलीफ गेव द मर्चेंट, उसने क्या दिया था, गोल्ड क्वाइंस दिए थे. व्हाइल द मर्चेंट बाथड इन द रिवर हिज, इसमें थर्ड वाला आंसर है. द रेड बैग वॉज टेकन अवे बाय एन ईगल, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं. तो इनको मैं लास्ट में एंड में ऐड कर दे रही हूँ, आप इनके आंसर्स देख लीजिएगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगी. तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा. थैंक यू.